इंशाल्लाह जी टैंपर भी लगे ने 8-10 बड़ी जल्दी नाल हुण काम शुरू किया देखो कितनी तेजी नाल हो रहा है इंशाल्लाह जिवें जिवें काम तेजी नाल हो रहा बहुत तेजी नाल दो तीन दिन जिवें हुकूमत कंप्लीट हो जा रही है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी नाल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम विवाद पाक धरती के प्लेटफार्म की तरफ से मोहम्मद जानजेब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो विवाद आज हम मौजूद हूँ थीम पार्क फेज 7 में। मैंने सोचा क्यों ना विवाद के लिए एक और वीडियो बना ली जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंपनी ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब। हम इस सोसाइटी का फेमस प्लान भी जानते हैं और लोकेशन के बारे भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी। वालेकुम अस्सलाम जी रिजवान साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा रिजवान साहब, सबसे पहले हमें सोसाइटी की लोकेशन के बारे में गाइड करते हैं, जो हमारे व्यूवर्स ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या इधर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले हमें बोलते हैं इसकी लोकेशन के बारे में गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को लोकेशन के बारे में गाइड करें। जी सर, ये जो हमारी सोसाइटी है फेज 7 सकियाँ, बिल्कुल इसके साथ आप देख रहे होंगे ये मोटर वे लगती है। इस तरफ से अगर देखा जाए तो रहमान गार्डन फेज 2 अटैच होता है हमारी सोसाइटी को, और इसकी लोकेशन बहुत ही एक हार्ड लोकेशन है, एक लेवल की जगह है। सारे की सारी कंस्ट्रक्शन का काम आपके सामने है, बहुत तेज़ी से जारी है। रावी टूल प्लाजा भी बिल्कुल इसके करीब पड़ता है, और जो हमारा 80 फीट मेन बड़ा रोड है जो ये रहमान गार्डन फेज 2 की तरफ भी जाएगा और दूसरा मोटरवे के पास भी जाएगा। अच्छा, एक तरफ से मोटरवे और दूसरी तरफ रहमान गार्डन। जी बिल्कुल। अच्छा रिजवान साहब, मैं देख रहा हूँ ये सड़कें वगैरह भी डाल रहे हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है हो रहा है, तो ये जो स्विमिंग पूल में से मिट्टी निकाल रहे हैं इसकी कब ओपनिंग है? जी सर, ये जो स्विमिंग पूल हमारा तैयार हो रहा है इंशाल्लाह इसका ईद के 3 दिन बाद इफ्तिताह है, जिसके मामले में हमारे ओनर हाजी खुशी मोहम्मद साहब ने एक फंक्शन भी रखा है। इंशाल्लाह स्विमिंग पूल की ओपनिंग का फंक्शन है वो, तो ईद के 3rd दिन। जी ईद के 3rd दिन। अच्छा दूसरा रिजवान साहब, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि इसका पेमेंट प्लान क्या है, ये कितने साल का पेमेंट प्लान है? जी सर, ये 5 साल का पेमेंट प्लान है, 2,40,000 एडवांस है इसका और 12,000 महाना इंस्टॉलमेंट है, कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं है, 12 लाख का टोटल प्लॉट है। अगर ओवरसीज भाई जो अगर इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिहाज से ये सोसाइटी कैसी है, इन्वेस्टमेंट उनकी कैसी रहेगी? सर ये जो सोसाइटी है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेस्ट है, और अगर आप रिहाइश करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी बेस्ट है, क्योंकि इधर बिजली, सीवरेज, सड़कें वगैरह हमारे जो ओनर हाजी खुशी मोहम्मद साहब वो देंगे। अच्छा, इसके डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बताएं। जी किसी किस्म का डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है इस सोसाइटी में, ना वेलफेयर काम हो रहा है सोसाइटी में, किसी किस्म का डेवलपमेंट चार्जेस नहीं। तो व्यूअर्स आपने खुद सुना कि 12 लाख का प्लॉट है 5 मल्ले का, 2,40,000 से बुकिंग है। अच्छा एक और बात पूछनी थी, फौरी पोजेशन है या? जी जी, मौके पे पोजेशन, आप देख रहे हैं हमारी सड़कें वगैरह तैयार हो रही हैं, जिन भाईजान ने इधर प्लॉट लिया है उनको हम पोजेशन दे रहे हैं, बाकी भी अभी हमारे पास प्लॉट अवेलेबल हैं जो मौके पे पोजेशन हम दे रहे हैं। तो व्यूअर्स खुद सुना है कि 12 लाख का प्लॉट है, 2,40,000 में आप 5 मल्ले प्लॉट के मालिक बन सकते हैं, फौरी पोजेशन देते हैं। जो क्या साहब बताएँ? इंशाल्लाह जी टैंपर भी लगे ने 8-10 बड़ी जल्दी नाल हुण काम शुरू किया देखो कितनी तेजी नाल हो रहा है इंशाल्लाह जिवें जिवें काम तेजी नाल हो रहा बहुत तेजी नाल दो तीन दिन जिवें हुकूमत कंप्लीट हो जा रही है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी नाल हो जाए। तुम वेखो आन के वेखो कि 2-10-12 दिन किन्ने घर बन गए ने, कितनी तेजी नाल काम हो रहा है। जेहड़ा बंदा हुण भी सोचेगा फिर उन्हें बेचारे ने सोचते ही रहना। शुक्रिया सर।